वैसे असी गुरु घर के ग्रंथी सिंह बिल्कुल गुलाम बना के रखे हुए, दो दो हजार ते भाई पैदा भर्ती किए हुए, पर मरण वाले का जोड़ा बिस्तरा भांडा ज्ञानी जी नूं लभ के दे के आउंदे आ, इत्थे फसिया होया, अगे मिलना है। ते जे वह अगे मिलना है तो फिर बापू की जमीन ज्ञानी जी दे ना कराओ, वह भी उत्थे मिलू जाके। जमीन मेरी बिस्तरा ज्ञानी जी का, यह क्यों किते नहीं लिखा होया गुरु साहब ने? बापू की याद विच तू भांडे टींडे दान कर रहा है, बापू की याद विच बहुत कुछ करन वाला है पुत्रा, ध्यान कर। अर उन्हां दी याद विच इस तरह का कर्म कांड नहीं करना। महाराज करना की है? सतगुरु कहिंदे मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जी, क्यों? शब्द गुरु ने मां दे पेट विच पुठे लमके नूं रखिया है, शब्द गुरु ने मड़ियां तो बाद भी नाल जाना है। शब्द गुरु ने आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच होंद है, इस शब्द गुरु नाल जुड़े रहना जरूरी। शब्द गुरु दे नाल जुड़ के अगे की हो, बापू दी याद विच पुत्र ने सपुत्र बनना है, पुत्र सपुत्र होण, पिता जी हक तुहाडा बनता है, फर्ज औलाद दा बनता है। शब्द गुरु करके भरा बने ते फिर उत्थे भी कहिंदे ने फर्ज मेरा बनता है, हक भरा दा बनता है। पति पत्नी बने, वो पति बन के कहिंदा है फर्ज मेरा बनता है, हक पत्नी दा बनता है। बाप बने, हक औलाद दे बनदे ने। सिख बनिया, सिख बन के भी देश धर्म कौम लई, वो कहिंदा मेरा फर्ज बनता है आवाज देनी, हक ते मेरे देश दा मेरे लोकां दा बनता है, मैं उन्हां लई धरती ते आया होया है। ये शब्द गुरु करके दात मिली। ते गुरमुखो जिथे शब्द गुरु ने सपुत्र बनन लई कहा है, बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन, उथे भी कहा वधी वेल बो पीढ़ी चाली। गुरमुखो अपने परिवारां नूं छोटा ना करियो, बापू दी याद विच भरा चार भी जम्मे जा सकदे, दो इत्थे रहणगे दो अमरीका रहणगे, ये भी ते बापू दी याद च कीता जा सकदा है। एक ही जम रहे हो उहनूं अमरीका भजा रहे हो, इत्थे आखी जांदे हो साडे घर ते कब्जा हो चलिया, चीकां कातों मारदे हो फिर जदों रहना ही नहीं। बापू दी याद विच भरा मगर भरा भैण मगर भैण, ये जम के समाज नूं दित्ती जा सकदी। बापू दी याद विच पौन गुरु नूं प्यार कीता जा सकदा है, बहुत सोहणा कीता है। मैं अपने वीर राजविंदर सिंह नूं कहांगा कि बापू दी याद च एक गुरु का बाग बना दिओ, लोकां नूं छां मिलू, साह मिलू, गरीबां नूं फल ते फुल मिलणगे, मंजा पीड़ा मिलू ते मरन वेले ढाई क्वंटल भी मिलू। वो बाग पता किहड़ा होवे? जिहड़ा गुरु साहब ने दिता सी, बोड़ साहब, पिपल साहब, टाली साहब, निम साहब, जंड साहब, अंब साहब, बेर साहब, जामनू साहब, ये दातां तूत साहब गुरु ने दित्तियां ने। बाप दी याद विच पानी पिता संभालिया जा सकता है। धरती वाला दरियावां दे ते इन्हां ने विच छड्डे लीडरां ने, हुण जिहड़े बचदे ने बचाउणे किवें? आपां हुण सोचिए, ये लीडरां दे वस दी गल नहीं, अपने घर लई आपे मरना पैना। पानी लई बापू दी याद विच पानी बचाए जा सकदे ने, मीहां दे पानी छप्पड़ां च सेव करने सी, सरोवरां च, ढाबां च, असीं ते उवला दित्ते जी। किसी ने तकिया बनाया, किसी ने मंदिर, किसी ने गुरुद्वारा, ते किसी ने उत्तरा कब्जा कर लिया। मैनू खिमा करियो, वल लै गए छप्पड़, मीहां दे पानी कित्थे सेव करोगे? माता धरत महत, बापू दी याद विच मां बोली नूं प्यार कीता जा सकदा है। ऊड़ा ते जूड़ा किवें जिउंदा रहू? सोचो, जिन्ना चिर गल संविधान च नहीं जांदी, आ बोर्ड लाउण नाल पंजाबी लागू नहीं हो चली। पंजाबी लागू थाने तो शुरू होनी है, पंजाबी लागू स्कूल चो शुरू होनी है, पंजाबी पासपोर्ट तो शुरू होनी है, पंजाबी लाइसेंस तो शुरू होनी है,
असीं बाहर तख्तियां ला के कम नबेड़दे ने। बापू दी याद विच मां बोली, मां जम्मण वाली धी भैण पत्नी ते मां इहदे अदबली उठिए, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे। राजान असीं आवाज नहीं दे रहे किसी वेले, जदकि असीं दूजियां दियां छड़ा के लियाउंदे सां, अज साडियां अपणियां जा रहियां, कोई आवाज नहीं दे रहा। माता धरत महत, बापू दी याद विच धरती पंजाब नूं प्यार कीता जा सकदा है। जे दिल्ली दे काके पंजाब च मंत्री बन गए ने, ते पंजाब दे नौजवानों तुहाडा की ख्याल है दस्यो? बापू दी याद विच भांडे टींडे वंडी जाने हो, गुरुद्वारे पखा लवाता जी, फलाने थाउ करता जी। बापू दी आत्मा नूं शांति उदों ही मिलनी है जदों बापू वर्गा बापू खड़ा कर दोगे, तां मिलनी। ते खास करके असी पंजाब दी धरती नूं छड के भज रहे हां, हर बंदा टिकट लई खड़ा है, 40 लख भी जा रहा है, जवानी भी जा रही है, औलाद तो भी जा रहे हैं, पंजाब तो भी जा रहे हैं। 40.5 लख ला के अमरीका लेबर करन जा रहे हैं, दिल्ली दे 4 लख ला के पंजाब च मंत्री बनना रहे हैं। सोच लो बापू दी याद च की करना है, ज्यौदा रखना है कि बापू दी होंद नू खत्म करना है। असी ते कह दिने बापू दा भोग है जी, पर मैं नहीं कहिंदा, असी अपने बाप दा भोग नहीं पैण देना। गुरु भी आखदा है बबाणियां कहानियां पुत वधी वेल बहु पीढ़ी चाली, भोग पैण दी किते गल नहीं आखी, जे कई तां मैनू दस दिओ छिंद मैं अणजाण होवां। इस लई माता धरत महत, दलालां ने उपजाऊ जमीनां ते कलौनियां कटतियां, तुसीं खेती ना कर सको। छौणियां कट रही है सरकार उपजाऊ जमीनां ते, अर उदों बाद सड़कां दे जाल विछा दिओ पंजाब दी धरती ते, किते चप्पा ना छड्डिओ, इह कोई जिनस पैदा कर लै। कौन ख्याल करू किन्ने परसेंट उपजाऊ चाहीदी है, किन्ना जंगल चाहीदा है, किन्नी वसों चाहीदी है, किन्ना पानी चाहीदा सी, कौन देऊ इहदे वल्ले ध्यान। इह बापू दी याद विच मेरी बेनती, भोगां नूं भोग ना बनाओ, भोग नूं जिंदगी बनाओ, चिंता नूं चिंतन बनाओ, याद नूं ओह याद बनाओ जिन्नूं याद करन दी लोड़ ना पै। इसलिए गुरमुखो शब्द गुरु दी लोड़ है, ते शब्द गुरु ला एंड ऑर्डर है। ये ना कहना मन सच्चा होना चाहिए जी, एक कृपान पा के झूठ बोली जाता है, एक बिना कृपान तो ब्रह्म ज्ञानी बनया फिरदा, ये नहीं चलना काम। इत्थे ते ला एंड ऑर्डर है, बस मनना पैना है। गुरु कृपा करे, सतगुरु बख्शिश करन, बापू दी याद विच जिथे ये कुछ करन वाला है उत्थे भी ध्यान रखियो, पिता को प्यार ना परोसी पै पाई है। भाई गुरदास जी, प्यो वर्गा प्यार गुरमुखो दूजा निजे दे सकदा। पिता कल्याण दास जी ने, मैं संपूर्णता करा, बुलारे तुसी बहुत आए हुए हो, पर जो मैं कह जाना तुसी नहीं कहना, मैनू खिमा करियो, ये हंकार वस नहीं कह रहा, मैं गुरु मुताबक कह रहा, धार्मिक तौर पर कह रहा, सतवचन। गुरु नानक साहब उदासी करके आए, पिता कल्याण दास भी अगे होके मिले, झिड़कदे भी सीगे, अज हुण वाह वाह समा बीत गया, प्यो पुत दा विछोड़ा रहा, मिलन नूं भी मन तरसदा सी। जदों दोवां ने गल वकड़ी पाई ते प्यो कहण लगा, नानक पुत्र मैं तेनूं बहुत माड़ा चंगा बोलदा है, पर तू ते मेरे घर च रब है, मैं तेनूं पछाणिया नहीं पुत्र, मैं अणजाण ही बनिया रहा। गुरु नानक साहब दीआं चपेड़ां वाली गल तां सारिआं सुणी, पर यह गल कोई नहीं सुणाउंदा। महाराज जी कहिंदे, पिता जी बापू नूं सब पता हुंदा है, इह पुत ने करना की है ते करके की आया, आया कित्थों ते चलिया कित्थे, उह वक्खरी गल। बाप जाण बुझ के अणजाण बन जांदा है। बापू पता तेनूं सी, पर चंगी गल तेनू पता नहीं सी, जे तू भी रब आखण लग जानो ते मैनू ओए नानक किन्ने कहना सी। बाकी तां सारे ही सत्कार दिंदे ने, ओए
बाप हक रखता है। झिड़कां किन्ने मारनियां सन, सत्कार तां सारे करदे सीगे। मूँह ते खुशामद करनी, पिठ पिछे जड़ां वढ़न वाले मिल जांदे, पर मूँह ते कमजोरी दस के पिठ पिछे ते बाप ही खड़दा है नाल। चंगियां गल्लां संसार लुकाउंदा है, बापू चंगियां दसदा है, माड़ियां ते पर्दे पा लैंदा है। वड्डे छोटे नूं लड़न तों समझाउंदा है, धीआं नूं धीआं दे थां, बच्चियां नूं बच्चियां दे थां रखदा है। हे पिता जी, नानक तुसी मेरे वर्गे कई जन्म दे सकदे हो, पर मेरे वर्गे कई नानक पिता कल्याण दास नहीं जम सकते, इसलिए तुसी महान हो। ते पिता जी कह लगे, नानक जिस रब नूं तूं वेखदा है ना, वह रब के दर्शन मैनूं भी करा। ते गुरु नानक साहब कहिंदे, पिता जी जे धरती ते रब वेखना होवे ते फिर बाप तो वड्डा कोई रब नहीं। अपने बाप दे चरणा च मत्था टेकिया गुरु नानक साहब ने, पिता जी धरती ते साक्षात रब दे ही ते दर्शन कर रहे हैं, परमेश्वर हो तुसी, परमेश्वर तुहाडे वाह। ये गल जदों कही ते पिता कल्याण दास कहन लगे, नानक लोकां दे मां बाप हो सकदा है मरण तो बाद स्वर्गवासी होण, पर पुत्रा तेरे वर्गे पुत करके मैं ज्योंदे जी स्वर्गवासी होया, साडी कल्याण होई। बस इस गल नूं ध्यान च रखियो, बेस्ट फ्रेंड वधिया मित्र बाप तो बिना कोई नहीं जी। नौजवानों जदों बच्चा छोटा हुंदा ना उदों बाप नूं बेस्ट फ्रेंड कहिंदा, ते जदों वड्डा हुंदा ना उदों बेस्ट फ्रेंड दी खातर बाप नूं धोखा दे जांदा। इसलिए ध्यान रखियो, बाप तो वधिया मित्र कोई नहीं जे मिलना, और उस बापू नूं जिउंदे रखण लई बापू दी पग भी दित्ती जांदी है। साडे घर च पग दिंदे, ये जिम्मेवारी है। वड्डे पुत्र ने बाप बन के रहना है ते बाप वालियां जिम्मेवारियां अदा करनियां ने। फर्ज मेरे ने, हक तुहाडे ने, ये बाप आखदा है। सो गुरु कृपा करे, पिता को प्यार ना परोसी पे पाई है। गुरु रामदास महाराज जी नूं कुछ दिन लाहौर रहना पिया, गुरु अर्जन साहब जी नूं पिता जी ने कहा सी आउणा नहीं जद तक बुलाउंदे नहीं, हालात कुछ इस तरह दे सन। ते महाराज जी ने रोज अपने बाप नूं उड़ीकना, पिता गुरदेव नूं ते नाले मन च ख्याल आउणे, एक घड़ी ना मिलते मेरा मन लोचे। गुरु अर्जन साहब चित्रकारी बड़ी सोहनी करदे सन, उन्होंने पपीहे की शक्ल बना के चिट्ठी गुरु रामदास बाप नूं भेजी, पिता लिखिया कुछ नहीं। गुरु रामदास जी ने चिट्ठी खोली, पपीहे की शक्ल बनाई हुई है, लिखिया कुछ नहीं पुत्र ने। महाराज जी ने कलम लई, उत्ते कणियां बना दित्तियां, लिखिया कुछ नहीं, उही चिट्ठी पत्र वापस भेज दिता। गुरु अर्जन साहब ने जदों बाप की चिट्ठी खोली, जवाब की आया है, जदों पुत्र पपीहा बन जाता है उदों बाप भी मीह बन के वरसदा है। ये जवाब सी महाराज जी का। इसलिए गुरमुखो जिन्हें आपां आए हाँ, कृपा करियो, बाप जिउंदे ने, बाप अड़ब सुभा दे ने, बाप नरम ने, असीं ये नहीं देखना। बाप का हक बनता है, साडा फर्ज बनता है, ज्यूंदे जी उन्हां नूं स्वर्गवासी बना के रखना, सचखंड वासी बना के रखना। आओ बाप दी याद विच साबत सूरत दस्तार सिरा, जे मोहरी ना रही ते सरकार खालसा कित्थों पल दे। ये गल मैं नहीं कही, महाराणी जिंदा ने कही सी, दलीप हुण नहीं आउणी सरकार खालसा। वो क्यों कहिंदे मोहरी है नहीं, कलगीधर ने मोह रखिया है, केस ऊड़ा ते जूड़ा, मोर ही है नहीं पुत्र। दलीप ने भी कह दिता, मां उन्ना चिर मैनू रब्बा मरन ना दई, मेरी मां नू जिन्ना चिर मैं मोर वापस नहीं ले आऊंगा। पग दा मतलब ये भी है, साबत सूरत होना, बापू दी याद विच नशा छड़िया जा सकता है, नशे दे तस्करां खिलाफ मुहिम विढ़ी जा सकती, बापू दी याद विच परगमन तो बचिया जा सकता है, बापू दी याद विच मुरदार छड़िया जा सकता है। इसलिए आओ
असी अपने बजुर्गां नूं जिउंदे रखिए, उन्हां नूं कदे भी मरन ना देईए और जिउंदे जी स्वर्ग विखा दईए, असी तुहाडे वारस हैगे आ। फिकर ना करिओ, गुरू कृपा करे मेरे वीर राजविंदर सिंह जिन्हां नूं अक्सर राज काकड़ा करके तुसी जानदे हो, असी प्रचार करदे हां मानवता लई, जमहूरीयत लई, लोकतंत्र लई, बेगमपुरे लई, सरकारी खालसा लई। ए वीर उस नूं कलाकारी दे रूप च पेश करदे आ। हुण आओ आपां मिल के इहनूं अदाकारी बना दईए, ये कलाकारी तक सीमित ना रह जाए। भाव हुण सानूं सिस्टम च जाना पऊ, अगे लोकां लई वोटां मंगण जाने हुण ना जाए, आप मैदाने जंग च नितरो जे बापू बचाउणा है। एक बापू वो है जिन्हें जमे आए, एक बापू आ है जिहड़ा साडे च प्रकाशमान है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। ते जे तुसी नहीं खड़े ये बापू वेच देणगे। 328 सरूप चोरी वेचे, 992,886 अंग चोरी छापे, 204,536 अंग लापता किते, 982,700 रुपया स्याही ते कागज दा खा गए, पेश नहीं गई शब्द खा जांदे, 10,00,000 फर्मे प्राइवेट बंदियां तो फड़े गए, अनेकां सैकड़े सरूप अग दी भेट चढ़ गए, और एक क्राइम केस एडवोकेट ईश्वर सिंह होना ने सामने लियांदा, जेड़ा केवल 3 साल दा है, 1995 तो 15, 18 तो 23 तक पेंडिंग है, पड़ताल नहीं हुई। और उस बाबत जदों पहली सरकार आई पंथक, उदों एक क्राइम होया, उदों बाद कैप्टन ते चन्नी साहब आ गए, चोरां दा साथ दिता, अज तीसरे आ गए महापुरश बदला लैण वाले। मैनू खिमा करिया जी, मैं बापू दे सनमुख कह रहा, अज तीसरिया ने भी उही कुछ करता, चोरां नाल रल गए, पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनिया है, अदालतां सानू तरीकां दे रही हैं, है नहीं इंसाफ। ते हुण बापू वास्ते राज काकड़ा जी साडे लई अदालतां भी मूँह फेर गईआं, हुण ला एंड ऑर्डर किवें बहाल होऊ, जमहूरीयत दी आवाज़ किवें सुनी जाऊ। इस लई सानू हुण अपना आप सोचना पऊ। गुरु कृपा करे, आओ बापू दी याद बापू दा भोग बन के ना रह जाए, साडी जिंदगी दा हिस्सा बन जाए। सारिआं नू जीओ आया आखदा, परचे मैं तुहानू दे चलिया, घरे जाके पढ़िओ। और ये क्राइम किन्ने कीता, आ जिहड़े दरबार साहब नीलियां पगां वाले बैठे होए, ये बाहरों किसे नहीं कीता, उन्हां ने कीता। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी नू पढ़ सुन के असी अपनी अरदास करते हैं, अपना जन्मदिन मनाने हैं, साडे विआह हुंदे ने, साडे इष्ट गुरु ने, साडा लोक परलोक गुरु है, उस गुरु बाबत दरबार साहब कदे गेड़ा तुहाडा लगे ते कृपा करके सानू भी मिल आयो, तुहाडे मिलन नाल साडे भी हौसले वध जांदे आ। और इन्हां हालातां च सानू कहना, भाई बलदेव सिंह जी तुसीं आ के बापू दे भोग ते कीर्तन करो, ये भी किसी मर्द की निशानी हो सकती है, दूजे दे वस की गल नहीं। भजन दे सच कौन सुने, आओ भविख ली होंद लई सुरक्षा लई लामबंद होइए, भुलां दी खिमा संपूर्णता करा। एक बारी सारे आखो सतनाम वाहेगुरु। जो किछ है सो तेरा, 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 कभी मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं,
जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा, क्या लागे। बेअंत पुल्लां दी खिमा, सतगुर कृपा करे सारी संगत दी हाजरी ला ले, समुचे परिवार दी सेहत जापियां, आपसी प्यार बख्शन, गुरसिखी जीवन बख्शन, सतगुरु लोक परलोक पर्दे का जलै। रही गल अरदास दी, मैं अरदास करदा साहब जी जेड़े सिख धरती ते आके किरत करदे ने, नाम जपदे ने, वंड के छकदे ने, सरबत दा भला मंगदे ने, उन्हां नूं चरना च निवासना दई, उन्हां नूं वार वार धरती ते भेजी, बहुत लोड़ है। चरना च निवास उन्हां नूं दे दिओ जेड़े पंजाब ते पंथ दे वैरी बने हुए, जमहूरीयत दे वैरी बन गए, गुरु ग्रंथ साहिब गोलकां खा गए, जमीना खा गए, इन्हां नूं चरना च रख लिओ, ये धरती ते भार बने हुए। पर सरबत दा भला मंगण वालियां नूं वार वार धरती ते भेजी सतगुरु, उन्हां दी बहुत लोड़ है। गुरु कृपा करे सतगुरु सब दी हाजरी ला लैण। मेरे वीर भाई राजविंदर सिंह राज काकड़ा, सतगुरु चढ़दी कला बख्शण तां कि आउण वाले समय च आवाज़ समाज लुकाई प्रति ओ इंसाफ लई बुलंद करदे रहण। आखो सतनाम वाहिगुरु। राम कली महला तीजा आनंद, इको अंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर का पाया सहज सेती मन रचिया, राग रतन परवार परियां शब्द गावने, शब्दों ता गावो हरी के रामन जी बसाया, कहे नानक के अनंत।